नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। मैं आज बनाने जा रही हूँ कुकर में भाप में चॉकलेट केक। केक बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट। आप कोई सा बिस्किट ले सकते हैं। मैंने वैसे ओरियो बिस्किट लिए हैं, आपका जो मन हो वो बिस्किट ले सकते हैं। चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट सिरप, थोड़ी सी मैदा, शुगर सिरप, वनीला एसेंस, दूध, और इन बिस्किट को हम मिक्सी में पीस लेंगे। पहले हमने ये बिस्किट को बिल्कुल पीस लिया है मिक्सी में। अब इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे, आठ दस बूंद, और इसको मिलाएंगे अच्छे से। और अब हम धीमे धीमे करके दूध डालेंगे और इसको अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे इसका। इसमें केक बनाना है हमें, उसको ले लेंगे और उसमें ऑयल से पूरे में स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी ये मैदा डालेंगे और सब तरफ फैला लेंगे पूरा, पूरे मैदा लगा करके। बाकी जो मैदा बचेगी उसको हम झाड़ देंगे। हमने कुकर में एक लोटा पानी डाल करके इसको गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक ये पानी गरम हो रहा है तब तक हम इसमें सब मिला देते हैं। हम आपको बताना भूल गए थे, इसमें हमें चाहिए बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर भी चाहिए और थोड़ा सा इनो पाउडर आधी चम्मच। इन तीनों को डाल करके इसको हम अच्छे से मिला करके इस टिन में डाल देंगे। देखिए हमने तीनों चीज मिला दिए। अब हम इसमें इसको पलट देंगे। हमने इसे पूरा केक कर लिया और इसको पूरी एयर इसकी बाहर निकाल दिए। अब हम जिस सिल्वर फॉइल इसके ऊपर पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। हमारा पानी देखिए गर्म हो गया है और हमने ये सिल्वर फॉइल से पूरा इसको कवर कर दिया है ताकि इसके अंदर भाप ना जाए। हम ये केक भाप में बनाएंगे और ये 30 मिनट में केक बन जाएगा बहुत ही जल्दी। अब ये स्टैंड हम पानी में बहुत सावधानी से रख देंगे। इसको रख देंगे और अब इसको ढक करके पूरे 30 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकने देंगे। फिर खोल के देखेंगे पका है कि नहीं। इसको ऐसे ही पकने देना है 30 मिनट के लिए। और अगर आपको लगे कि इसका पानी सूख रहा है तो इसमें आप पानी किनारे से और डाल सकती हैं। अब हमारा केक बन चुका होगा, हम देख लेते हैं। देखिए केक हमारा बन चुका है और कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। देखिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा केक कितने अच्छे से तैयार हो गया है बंद करके। अब इसको हम डेकोरेट करते हैं चॉकलेट स्प्रिट से और चोको चिप से। देखिए हमारा केक तैयार हो गया है। हमने इस पे चॉकलेट शुगर सिरप डाल करके अच्छे से और इससे हमने डेकोरेट कराया चोको चिप से और हमने बिस्कुट से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।